हाय, मैं काजल स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है काजल पांडे रायपुर लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं किचन में हूँ, और किचन में हूँ तो ज़रूर कुछ बनाने वाली हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं पिज़्ज़ा घर पर। देखिए आप लोग कैसे घर पर इजी तरीके से पिज़्ज़ा बना सकते हो। तो आज का ब्लॉग है और आज का वीडियो पिज़्ज़ा पे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम तैयार हैं, और पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, दही, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने मैदा ले लिया है। अब मैदे में थोड़ा सा हम ये देखिए इतना सा खाने वाला सोडा डालेंगे। इतने ही क्वांटिटी में ये बेकिंग सोडा डालेंगे। खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग है, तो इतना मैं बेकिंग सोडा डालूँगी। बेकिंग सोडा ऐसे डिब्बे में आता है, और खाने वाला सोडा है वो ऐसे ही खुला भी मिलता है, पैकेट में भी मिलता है। अब इसमें थोड़ा सा हम एक चम्मच तेल डालेंगे, एक या दो से दो चम्मच, ये देखिए बस। उसके बाद हम दही लेंगे, दही से इसको गूंथेंगे। दही इतना ही डालिए जितना कि ये गुथ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक भी डालेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैं दही पैकेट वाला ली हूँ, अगर आपके घर में उपलब्ध है तो आप वो भी ले सकते हो। याद रहे इसको दही से ही गूंथेंगे। आपको दिखने में थोड़ा सा लग रहा होगा ये आटा, लेकिन ये पिज़्ज़ा के लिए परफेक्ट है। ये अभी फूलेगा, इसको खूब गूंथेंगे। इसको गूंदना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो जी इसको मैं आधे घंटे के लिए ढक के रख दूंगी। इसका आटा तैयार है, जिससे हम रोटी बनाएंगे। उसके ऊपर लगाने के लिए ये हम कॉर्न चाहिए, आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, और ये अमूल का चीज़ है। एक ये चीज़ है और एक ही, दोनों एक ही है। आपके पास जो भी उपलब्ध है आप वो डाल सकते हो। और पिज़्ज़ा सॉस है जो आपको मिल जाएगा, और ये मोजरेला चीज़ है। ये अलग है और ये अलग है, तो इन सामग्रियों का इस्तेमाल होगा, तो मैं बताऊंगी कैसे डालते हैं। और आप डाल सकते हो, ऑनियन भी डाल सकते हो उसमें, वो आपके फ्लेवर के ऊपर है, आपको जो पसंद है। हाँ जी, तो ये मैंने आटा जो गूंथ के रखा था वो अब ये हो चुका है। देखिए फूल के ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। और एक चीज़ और आपके मन में होता होगा कि पिज़्ज़ा हम घर पे बनाएंगे कैसे, तो आपको हम बता दें कि आपके घर में कढ़ाई ज़रूर होगा। कढ़ाई में आप थोड़ा नीचे नमक मिला दीजिए, नीचे नमक बिछा दीजिए, और ऊपर से नमक के ऊपर ये स्टैंड या कटोरी रख के उसके ऊपर आप, मैं दिखाऊंगी कि कैसे रखूंगी। मैं कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी, मेरे यहाँ ओवन है, तो ओवन में मैं रखूंगी। तो आपके पास अगर ओवन है तो ओवन में बनाइए, या तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हो इजी तरीके से। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो इस आटे में से थोड़ा सा लेंगे, इसमें से ये छोटी सी लोई पहले,
पतला पतला इसको, ये कांटे वाले चम्मच से इसको जगह जगह पे ऐसे कर दीजिए। इससे क्या है ना कि रोटी फूलेगी नहीं, दबी की दबी रहेगी। उसके बाद ये तवा मैंने रख दिया था गर्म होने को। इस रोटी को थोड़ा सा आटा डाल के इसमें डाल देंगे, तब तक ये पूरा हल्की आंच में पिज्जा की रोटी बेल लेते हैं। छोटा पड़ रहा था तो मैंने नीचे ही रख लिया इसको। अब इसको भी ऐसे चम्मच से जगह जगह पे कर लेंगे कि ये भी नहीं फूलेगा। इसमें हम चीज़ लगाएंगे पहले, ये चीज़ है, बाकी ज़्यादा नहीं था ये वाला तो मैं ये वाला लूँ। राक्षस के घर के पैदा हुए। अब इस चीज़ को जगह जगह बिछा देंगे। इसमें ये जो रोटी मैंने बनाया था ये हो गया है तवे पे, इसके ऊपर रखेंगे। इसमें किनारे किनारे थोड़ा पानी लगा लेंगे। ये हो गया, इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास जो भी है अवेलेबल वो कर सकते हो। ये अच्छे तरीके से लग गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें मोजरेला चीज़, इसके बिना पिज़्ज़ा अधूरा है और ये ज़रूर पड़ता है। चीज़ के बिना पिज़्ज़ा क्या, आप लोग भी घर पर ट्राई करिए, ज़रूर अच्छा बनेगा। बाद ये कॉर्न, कॉर्न लग चुका है। अब इसमें प्याज डालेंगे जगह जगह। शिमला मिर्च है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस पे थोड़ा सा और चीज़ ऊपर से डाल देंगे।
तो हमारा पिज्जा पिज्जा अच्छे से सज गया है, अब इसको ओवन में रख देंगे धीमी आंच पे। तो ये ओवन में मैंने पिज़्ज़ा रख दिया है धीमी आंच पे, ये स्टील की थाली में रखा है, नीचे थोड़ा सा आटा डाल दिया है ताकि पिज़्ज़ा नीचे चिपके ना, अच्छे तरीके से नीचे से निकल जाए। आपके पास अगर पेन है केक वाला तो उसमें भी प्लेट में रख सकते हो, नहीं या तो स्टील की थाली है या प्लेट है सेप में तो उसमें रख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो मैंने मेरे पास यही था तो मैंने स्टील की थाली में रखा है। तो इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के बाद देखते हैं कि कैसा बनता है पिज़्ज़ा। तो ये जी पिज़्ज़ा का फाइनल लुक कैसा लग रहा है आप लोग को ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पिज़्ज़ा हो गया है तैयार। ए जी आपके लिए कुछ बनाए हैं। पिज्जा? हाँ खा के बताइए कैसा बनाया। होममेड पिज्जा। यस, जो लोग बाजार नहीं जा सकते घर पे बना सकते हैं। देखने में काफी खूबसूरत दिख रहा है। सही बताइए टेस्ट कैसा है? एकदम मार्केट जैसा। मार्केट से भी तो हमारे सब्सक्राइबर को क्या बोलेंगे। तो आप लोग भी घर पे बनाइए ऐसे ही पिज़्ज़ा, बहुत ही सरल और इजी तरीके से। चीयर्स। चीयर्स टू ऑल व्यूअर्स। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।